हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़, स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें कि भाई ये प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस है, मतलब परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है। कैसे होते हैं सेंटेंस जिनमें परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस होते हैं और उनमें हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और हमें इनमें क्या क्या सावधानियाँ भी रखना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है इसकी पहचान जी। अगर किसी भी सेंटेंस में आखिर में, लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो आपका सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अभी कहलाएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन अगर रहा है, रही है के साथ आपको टाइम दे दिया जाए तो वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तुम 10 बजे से टीवी देख रहे हो। तो जब इस तरह का टाइम दिया रहता है और रहा है, रही है, तो वो आपका कंटिन्यूअस टेंस ना होकर वो हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी, हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियस वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन आ गया। अब इसके बाद ऑब्वियसली बात है ये परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होगी। तो मतलब कि आपकी जेरेंडी होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि आपको दो तरह का टाइम दिया रहता है, एक निश्चित टाइम और एक अनिश्चित टाइम। निश्चित टाइम मतलब जैसे 5 बजे एग्जैक्ट जिस टाइम की बात हो रही, जो टाइम हमें पता हो, एग्जैक्ट टाइम की बात होती तो उसको हम कहते हैं निश्चित समय। और निश्चित समय के लिए हमेशा हम यूज़ करेंगे सिंस। और अनिश्चित समय जैसे कि 5 दिन 5 घंटे इस तरह की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर का, FOR, फॉर का। तो गाइस ये तो थी याद रखने वाली बात, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं हम सिंपल सेंटेंस। ऑब्वियस सिंपल सेंटेंस पे आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? जी हाँ, वो ही है पुराना घिसा पिटा और अब तो आपको रट गया होगा। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि प्लस सिंस या फॉर, आपको सिंस या फॉर जरूर मेंशन करना है, तभी वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस होगा, अदरवाइज वो आपका कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज बिन, हैव बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर, देन बचा हुआ टाइम। चलिए तो देखते हैं कोई सेंटेंस। मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ। 5 बजे यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि 5 बजे एक प्रीसाइज टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का। तो मैं मीन्स आई, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 5 o'clock। तुम 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हो, तुम 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हो। यू हैव बिन वेटिंग फॉर 5 आवर। 5 घंटे अनिश्चित समय है, जब भी बात होगी घंटे की या दिन की, और जो टाइम हमें पता नहीं होता है, इस कॉल्ड अनिश्चित टाइम। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर का। यू हैव बिन वेटिंग फॉर 5 आवर। मैं 5 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन रीडिंग अ बुक फॉर 5 आवर, फॉर 5 आवर। वो 5 बजे से पढ़ रहा है, वो 5 बजे से पढ़ रहा है। तो इसको कैसे बोलेंगे? ही हैज़ बिन रीडिंग। अगर कोई किताब पढ़ रहा है तो रीडिंग, और अगर कुछ पढ़ाई कर रहा है तो स्टडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की स्टडी करना, पढ़ाई करना। तो ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। तो यहाँ पर जो निश्चित समय होगा, प्रिसाइज टाइम होगा, उसमें हम यूज़ करेंगे सिंस का। तो गाइज आपको समझ में ये आ गया होगा। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ बिन और हैव बिन है, तो यहाँ पर थोड़ा गलती हो जाती, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, देन आपका विन आएगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या फिर प्लस टाइम।
या हम ऐसे भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैजंट या हैवंट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं, 5 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, 5 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, तो क्या होगा? इट हैज नॉट विन, इट हैज नॉट विन रेनिंग फॉर 5 आवर, या फिर हम बोल सकते हैं इट हैजंट बिन रेनिंग फॉर 5 आवर। 5 बजे से बारिश नहीं हो रही है, तो मैंने यहाँ बस रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस। तो इट हैजंट या इट हैज नॉट बिन रेनिंग सिंस 5 o'clock, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 बजे बोला है। जब मैं 5 बजे बोलूँगा तो सिंस है, 5 घंटे बोलूँगा तो फॉर है। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिए। तुम 2 घंटे से लगातार नहीं बोल रहे हो, तुम 2 घंटे से लगातार नहीं बोल रहे हो, तो यू हैव नॉट बिन या यू हैवंट बिन स्पीकिंग कंटिन्यूसली फॉर टू आर। यू हैवंट बिन स्पीकिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 आर। सो गाइज, ये आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया। तो कैसे, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि हैज बिन हैव बिन है, तो देखिएगा हैज या हैव देन सब्जेक्ट देन बिन देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्वियस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या 5 बजे से बारिश हो रही है? क्या 5 बजे से बारिश हो रही है? तो हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। क्या तुम 2 घंटे से कंटिन्यूसली मीन्स लगातार बोल रहे हो? हैव यू बिन स्पीकिंग कंटिन्यूसली फॉर टू आवर्स। तो इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस फिनिश होते हैं। तो गाइज, अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, कौन है आपके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जी, आप क्वेश्चन भी कर देंगे और नहीं भी कर देंगे। जैसे कि फॉर्मूला समझिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देन बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह है फॉर्मूला इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। क्या तुम 2 घंटे से लगातार नहीं बोल रहे हो? Haven't you been? या फिर have you not been speaking continuously for two hours? क्या तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हो? Haven't you been studying since two o'clock? क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? Haven't I been teaching for two hours? तो गाइज, इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है। तो गाइज, इसमें थोड़ा दिमाग पे देना है, ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर हैज बिन हैव बिन का थोड़ा कॉम्बिनेशन है, नॉट का लगाना है, सब्जेक्ट का लगाना है। तो गाइज, मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बता दिया है, तो प्लीज़ रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, तभी आपको आ जाएगा। और इसी के साथ आपका जो पूरा प्रेजेंट टेंस था वो भी क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और फॉलो करें धाकड़ एकेडमी को। और जो भी आपको फीडबैक देना है तो प्लीज़ फीडबैक दें, फीडबैक सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।